नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईसीसी क्रिकेट काउंसिल ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 क्रिकेट के लिए दो नए नियम बनाए हैं और बहुत जल्द यानी इसी महीने से ये दोनों नियम जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। और इससे क्या कुछ जो है बदलाव होगा मैदान पर, हमें क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्रिकेट में समय समय पर जो है चीज़ें बदलते रहती हैं, नए नए नियम लागू किए जाते हैं ताकि इस खेल में और बदलाव आए, ये खेल जो है मॉडिफाई हो। और जैसे जैसे क्रिकेट के फॉर्मेट में भी चेंजेस हो रहे हैं वैसे ही नए नए नियम जो है वो भी लागू किए जा रहे हैं। अब आईसीसी ने एक नहीं बल्कि दो नियम जो है बना दिए हैं और इसी महीने से यानी कि जनवरी 16 तारीख से ये दोनों नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। वो क्या नियम है वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला नियम जो आईसीसी ने बनाया है वो उसके तहत अगर कोई टीम ओवर रेट में तय समय से पीछे होगी तो बाकी के बचे हुए ओवर्स में एक फील्डर 30 गज के दायरे से बाहर खड़ा नहीं हो पाएगा, उसे 30 गज के दायरे में खड़ा होना होगा। अभी पावर प्ले के बाद 30 गज के बाहर 5 फील्डर रह सकते हैं, लेकिन नए नियमों के तहत टीम ने गलती की तो केवल 4 फील्डर ही बाहर रह पाएंगे। तो जो पहला नियम बनाया है, जो एक तय समय सीमा होगी, अगर उस तय समय सीमा से पहले देरी से अगर गेंदबाजी हो रही होगी यानी स्लो ओवर रेट अगर चल रहा होगा तो उससे फील्डिंग टीम जो होगी, गेंदबाजी करने वाली टीम को नुकसान होगा, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 5 की जगह 4 फील्डर ही 30 गज यानी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। उससे आप विचार करके देखिए जो बल्लेबाजी टीम होगी उनको कितना ज़्यादा फायदा होगा। तो मुझे लगता है इस नियम के आ जाने के बाद से जो स्लो ओवर रेट की समस्या रहती है इस पर अंकुश लगा दी जाएगी या लग जाएगी। इस बारे में आईसीसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि ओवर रेट के नियम पहले से तय हैं, इनके तहत फील्डिंग करने वाली टीम तय समय में आखिरी ओवर की पहली गेंद फेंकने की स्थिति में होनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अब बचे हुए ओवर्स में 30 गज से बाहर उनका एक फील्डर कम रहेगा। यह बदलाव आईसीसी क्रिकेट कमेटी की सिफारिश पर लागू किए गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से आयोजित दी 100 टूर्नामेंट में इस तरह का नियम देखने के बाद विचार किया। ऐसा सभी फॉर्मेट में खेल की रफ्तार को सुधारने के लिए किया गया है। खेल को सुधारने के लिए, जैसे मैंने जैसे इस वीडियो में बताया कि खेल को, क्रिकेट को मॉडिफाई करने के लिए, क्रिकेट को और बेहतर करने के लिए नए नए नियम समय समय पर लागू किए जाते हैं और इसी वजह से T20 क्रिकेट में दो नए नियम लागू किए गए। एक नियम मैंने आपको बताया, दूसरा नियम ये है कि अब जो है बायलेटरल जो मैचेस होंगी, जो बायलेटरल सीरीज होंगी उसमें अतिरिक्त हर इनिंग के बाद अतिरिक्त 2.5 मिनट का जो ड्रिंक्स ब्रेक है वो लिया जा सकेगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि सीरीज की शुरुआत से पहले दोनों टीमों को इस पर सहमति जतानी होगी। अगर दोनों टीमें सहमत होंगे तो अतिरिक्त 2.5 मिनट का जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है वो लिया जा सकेगा। तो ये दो नए नियम जो है आईसीसी ने बनाए हैं और अभी इन्हें लागू कर दिया जाएगा 16 जनवरी 2022 से। और ये जिस दिन ये लागू होगा वो पहला मैच खेला जाएगा इन नए नियमों के साथ, जो पहला मैच खेला जाएगा उस मैच में आमने सामने होंगी एक तरफ वेस्ट इंडीज़ और एक तरफ आयरलैंड। आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच सबीना पार्क में जो एक T20 मैच की जो सीरीज़ है, जो इकलौती मैच है T20, उस मैच से इन दो नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे पूछेंगे, क्या आईसीसी के इन दो नियमों से खेल में बदलाव आएगा? क्या खेल में जो समस्याएं हैं ओवर रेट को लेकर, स्लो ओवर रेट को लेकर, क्या उनमें बदलाव आएंगे? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट के जरिए हमें बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फैक्ट।